ये आपका मोटो जी फोर प्लस और ये आपका मोटो जी फाइव प्लस, जैसा आपको होता है दोनों आपका डिवाइसेस में आपका ऑन स्क्रीन बटन है और ये जो बीच वाला बटन है ये आपका फिंगरप्रिंट स्कैनिंग के हिसाब से काम करता है। मोटो जी फोर प्लस आपका 5.5 इंच का डिवाइस है विच इज अ फुल एचडी डिवाइस, ये आपका 5.2 इंच का है ये भी आपका फुल एचडी डिवाइस है। लेकिन दिक्कत वाला यही बात है कि ये वाला बड़ा स्क्रीन है तो ऑन स्क्रीन बटन होने से कोई भी दिक्कत नहीं होता और इसमें कोई भी जेस्चर सेटिंग्स भी आपका नहीं है। लेकिन G5 प्लस में आपका जेस्चर सेटिंग्स यहाँ पर दिया गया है जिसके माध्यम से आप ये जो होम बटन इस्तेमाल करके बैक मल्टीटास्किंग कर सकते हैं और आपका जो ऑन स्क्रीन नेविगेशन बटन है ये आपका रिमूव हो जाएगा। उसमें क्या होगा आपका जो स्क्रीन पे स्पेस है वो थोड़ा आपका बढ़ जाएगा। अभी बहुत कोई मुझे पूछ रहे थे ये कैसे एक्टिवेट किया जा सकता है, तो ये काफी इजी प्रोसेस है। लेट मी शो यू हाउ यू कैन एक्टिवेट मोटो G5 प्लस का। आपका फिंगरप्रिंट स्कैनर काफ़ी फास्ट एंड रिस्पॉन्सिव है तो मुझे उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन ये नेविगेशन बार कैसे हटाया जाए लेट मी शो यू। सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा मोटो एप्लीकेशन पे, एक है आपका एक्शंस, दूसरा है आपका डिस्प्ले। तो सबसे पहले हम लोग को जाना पड़ेगा एक्शंस पे। यहाँ पर आपका बहुत सारा ऑप्शन है, जैसे आपका शेक करने से आपका फ्लैश लाइट ऑन हो जाता है या फिर स्वाइप करने से आपका दो बार कैमरा ऑन हो जाता है। उसके अलावा भी यहाँ पर और एक ऑप्शन है विच इज ए वन बटन नेविगेशन, तो इसको आपको ऑन करना पड़ेगा। वन वर्जन नेविगेशन में देखिए यहाँ पर आपको ऑफ है, इसको ऑन करना पड़ेगा। ऑन जब कर देंगे तो यहाँ पर जैसे नेविगेशन बटन आपका हट गया है, शो मी हाउ, यहाँ पर अगर शो मी हाउ अगर करेंगे तब यहाँ पर आप देख पाएंगे। जब आप मिडिल वाला दबाएंगे तब आपका होम आ जाएगा। नेक्स्ट आप जब लेफ्ट से राइट से लेफ्ट तक स्वाइप करेंगे तब आपका बैक हो जाएगा। नेक्स्ट अगर आपका लेफ्ट से राइट करते हैं मतलब इस साइड राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट अगर करते हैं तब आपका मल्टीटास्किंग आएगा। सो और बीच में आप प्रेस करके रखने से आपका गूगल नाउ ऑन हो जाएगा या फिर आप गूगल जो असिस्टेंट है आपका। सो यहाँ पर आपका टर्न ऑन मैंने कर दिया, तो मैं जल्दी से एक बार इसको देख लेता हूँ। जैसे आप देख पा रहे हो आप अगर कोई भी मेनू पे आते हैं अगर यहाँ पर करते हैं आपका बैक हो जाता है, इधर करने से आपका मल्टीटास्किंग आ जाता है जैसे आप देख पा रहे हो। अगर कोई भी एप्लीकेशन पे अगर आप बीच वाला दबाते हैं तब आप होम में आ जाता है। लॉक अनलॉक आपका वैसे ही काम करता है और अगर आप इसको प्रेस एंड होल्ड करते हैं तब आपको गूगल का जो आपका एक्टिवेशन वो आपका ऑन हो जाता है। सो ये वाला काफ़ी कूल ऑप्शन है। सो ये था आपका स्ट्रेट एंड ईजी प्रोसेस फॉर दैट यू कैन एक्टिवेट योर वन नेविगेशन बटन। सो अगर आपका आज का वीडियो अच्छा लगता है काइंडली हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू एडअप फॉर मोर वीडियोस एंड अपडेट। अगर G5 प्लस के बारे में आपको और भी कुछ जानकारी लेना है तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा अपने तरीके से सभी क्वेश्चन के आंसर देने का। सो इस वीडियो में अभी तक लेते हैं, दिस इज योर होस्ट अमित साइनिंग ऑफ फ्रॉम डेटा, होप टू सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।